नमस्ते फ्रेंड्स, आज हमारी रेसिपी का खास मेनू है मसाला भिंडी। मसाला भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में तो बनती है, लेकिन हर भंडारा, हर शादी में ये मसाला भिंडी तो ज़रूर बनती है। लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है, अगर वो आप फॉलो करोगे तो ही आपकी सब्जी ज़्यादा अच्छी मसालेदार बनेगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम भिंडी ली है। आपको भिंडी को अच्छे से धो के उसे सुखा के लेना है और भिंडी पूरी सूखने के बाद ही आपको भिंडी को इस तरह से लंबे साइज में काट लेना है। यही आपकी फर्स्ट टिप है। आपको बिल्कुल भी गीली भिंडी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सूखी भिंडी आपको काट के तैयार करनी है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है मूँगफली का क्रश। मैंने मूँगफली को रोस्ट करके उसका क्रश बना के रखा है और बहुत सारा हरा धनिया। मैंने लहसुन को ऐसे क्रश करके रखा है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ गार्लिक का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग इसमें प्याज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्याज से होता क्या है, भिंडी को थोड़ा सा मीठापन आता है। वैसे भी भिंडी थोड़ी सी मीठी होती है, और अगर आपको मसालेदार स्पाइसी मसाला भिंडी बनानी है तो आप ये स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले हम कढ़े में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून राई को तड़का लगाएंगे। देन मैंने 10 से 12 लहसुन कलियों को अच्छे से क्रश करके तेल में ऐड किया है। इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। आपको लहसुन को अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है, क्योंकि यही क्रश किया हुआ लहसुन हमारे स्पाइसी भिंडी को 4 चांद लगाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे लहसुन का मात्रा आपको ज़्यादा यूज़ करना है। ये आपकी सेकेंड टिप है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करके उसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हमें हल्दी और कोरिएंडर को अच्छे से फ्राई कर लेना है, और अब हम उसमें कटी हुई भिंडी को ऐड करेंगे। यह आपकी थर्ड स्टेप है। आपको बिना मसाले के पहले भिंडी को ऐड करना है, उसके बाद ही उसमें रेड चिली पाउडर को ऐड करना है। आपके हिसाब से आपको रेड चिली का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे लगभग 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून कांदा लहसुन मसाला यूज़ किया है, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम इन मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करके सारे मसालों को भिंडी के साथ एक बार फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम तेल में मसाले डालते हैं तो मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए आपको पहले भिंडी ऐड करनी है और उसके बाद ही आपको रेड चिली पाउडर या फिर गरम मसाला आपको ऐड करना है। यह आपकी थर्ड टिप है। अब हमने जो 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है, उस ऑयल में हमें भिंडी और सारे मसालों को अच्छे से बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कंपलसरी आपको यहाँ पे फ्राई करना है। उसके बाद ही हम उसके ऊपर कवर करके कुक करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 मिनट मैंने ऐसे ही मीडियम हाई फ्लेम पे भिंडी को फ्राई किया था। अब हम गैस की फ्लेम को लो करके उस पर कवर रख देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद हमें भिंडी को कुक कर लेना है। आफ्टर 4 to 5 मिनट्स अब हम भिंडी देखिए, हमारी 60 to 70% भिंडी कुक हो गई है। क्योंकि हमने कवर करके रखा था, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपापन दिख रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हमारी मसाला भिंडी एकदम स्पाइसी और एकदम छोटी छोटी बनने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून मूँगफली का क्रश। मैंने यहाँ पे रोस्टेड मूँगफली का क्रश लिया है। अब आपके हिसाब से मूँगफली का क्रश कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने लगभग 5 टेबलस्पून मूँगफली का क्रश ऐड किया है। अब हमें मूँगफली का क्रश को ऐसे ही मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें सब्जी को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेना है। लेकिन आपको सबसे पहले उनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपको कवर निकाल के भिंडी को ऐसे ही ओपन करके और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि हमने जो कवर करके रखा था तो उसका जो चिपचिपापन था वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। वैसे भी आप देखो, अभी कुछ भी उसका चिपचिपापन आपको नहीं दिखाई देगा। अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर भिंडी को बिना कवर करके कुक कर लेना है। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आपको गैस बंद कर लेना है और गर्मा गर्म रोटी के साथ मसाले भिंडी को ट्राई करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा,
ताकि ऐसे ही न्यू ट्रिप विथ ट्रिक्स रेसिपी में आपको बता सकूँ। थैंक यू।